कोई नहीं ऐसा सक्सेस गेट जैसा, कोई नहीं ऐसा सक्सेस गेट जैसा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस फिल्म एकेडमी, सक्सेस थिएटर को मैंने सक्सेस कास्ट किया है। जी हां दोस्तों, हमारा कांटेक्ट नंबर है 7219533205 और वेबसाइट www.successgate.in। जी हां दोस्तों, मेरा नाम है गुरु विपिन कुमार। दोस्तों आप सब जुड़ चुके हैं इंडिया की एकदम नंबर वन कंपनी बनेगी जिसका नाम है दोस्तों सक्सेस फिल्म एकेडमी। मैं गुरु विपिन कुमार आप लोगों का हृदय गहराई से स्वागत करता हूं। दोस्तों अपने स्टूडेंट से मिलना चाहता हूं। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? एहसान चौधरी। आपका नाम क्या है? आरंभ कुमार है दोस्तों, जिसे देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, किस तरीके से फटाफट मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों मैं चाहता हूँ आरंभ या एहसान आ चुके हैं, सीख रहे हैं। दोस्तों मैं चाहता हूँ लोग फटाफट किस तरीके से अपना डिक्शन सुधार सकते हैं, इसी विषय पर बात करेंगे। दोस्तों डिटेल वीडियो बनाना चाहता, काफी शॉर्ट एंड शॉर्ट तरीके से बनाएंगे दोस्तों, बातें करेंगे। आप कौन से राज्य से आते हो? बिहार से आप आते हैं। आप कौन से राज्य से आते हो? मैं यूपी से आता हूँ। उत्तर प्रदेश से आते हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार से लड़के यहाँ पे आ गए हैं, पूरे प्रांत से, पूरे देश के कोने कोने से लड़के लड़के यहाँ पे आते हैं। चलिए दोस्तों डिक्शन की बात करते। देखो होता क्या है, डिक्शन यानी उच्चारण। क्या है? उच्चारण। आप कैमरे की तरफ देख रहे हैं? यस। राइट, आप एक लाइन बोलिए। देखो रमा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ। कमन। देखो रमा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम एक बहुत प्यारी लड़की हो। आप आ जाएं इधर, आप इधर आइए। देखो रमा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। कम ऑन। देखो रमा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। दोस्तों देख रहे हैं आप किस तरीके से यहाँ पे एहसान और किस तरीके से यहाँ पे आरंभ अलग अलग टोन में, अलग अलग एक्सेंट में बात कर रहे हैं। दोस्तों डिक्शन की सबसे बड़ी समस्या ये है, जैसे अगर आप ये मराठी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, किसी भी ये प्रांत से आते हो, जैसे आप उत्तर प्रदेश से आते हो, राइट, मिनिमम 18 से 20 साल तक लड़के लड़कियां अपने माता पिता के साथ रहते हैं। यस सर। सही या गलत? उसके बाद वो किसी शहर में जाते हैं। यस सर। यानी कि वहां की जो टोन है, वहां की जो एक्सेंट है, वहीं पर रह जाती है, वहीं पर रह जाती है, दिमाग में रह जाती है। यस सर। दिमाग में रह जाती है। जैसे इन्होंने बोला देखो रमा हम तुमसे प्यार करते हैं और तुम हमें छोड़ के मत जाओ, इस तरीके से बोल रहे हैं। yes, राइट, जो कि गलत है। मैं चाहता हूं इनकी वॉइस न्यूट्रल हो जाए, वॉइस न्यूट्रल हो जाए। तो न्यूट्रल करने के लिए साइलेंट एवरीबॉडी, काफी भीड़ लगी है दोस्तों यहां पे कैमरे के पीछे। मैं चाहता हूं जो भी वहां पे लोग देख रहे हैं कैमरे के पीछे, साइलेंट बनाए रखें, यहां पे कैमरे में कुछ मत बोले। तो मैं चाहता हूं कि जो लोग भी सीखना चाहते हैं वो डिक्शन के उच्चारण के लिए सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा? रीडिंग। क्या है? रीडिंग। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले है रीडिंग। क्या है? रीडिंग। आपको तकरीबन 10 से 15 20 30 मिनट रीडिंग करना है रोज। रीडिंग करना है रोज। क्यों रीडिंग करना है? क्योंकि अगर वो रीडिंग करेंगे तो उनसे उनका उच्चारण सुधरेगा। पॉइंट नंबर टू, आवाज रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करके बार बार सुने की आवाज कैसी हो रही है, राइट। पॉइंट नंबर थ्री, अपने दोस्तों यारों को सुनाएं। पॉइंट नंबर फोर, किसी एकेडमी में जाएं परफॉर्म करें। सही है गलत? यस सर। राइट, कैसा लगा सलाह आपको? बहुत अच्छा लगा सर। आपको लगता है इस तरीके प्रैक्टिस करने से लोगों की डिक्शन सुधर सकती है? रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, परफॉर्मेंस हो गया। हाँ सर, मुझे लगता है इसी तरह सुधरेगा और सुधर ही जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें। बोलिए नमस्कार। नमस्कार।